मेहरबोध के बाद में शासक आया, नाम था महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम, देखो महेंद्रपाल प्रथम इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनके काल में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम था राजशेखर, बहुत महत्वपूर्ण है। राजशेखर है ये संस्कृत भाषा के विद्वान है, ये संस्कृत भाषा के प्रखट कवि माने गए, बहुत शानदार कवि है राजशेखर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई प्रश्न इनके बारे में आ चुके हैं, कौन कौन से प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, जैसे एक बार पूछा गया था कर्पूर मंजरी किसका ग्रंथ है, कर्पूर मंजरी ग्रंथ है तो वो किसका है, वो भी इनका है। एक है काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा वो भी इनका है। एक है विदशाल बंजिका, विदशाल बंजिका वो भी इनके ग्रंथ माना गया है। विदशाल बंजिका के अलावा बाल रामायण, बाल रामायण, बाल भारत, इस प्रकार से काफी सारे ग्रंथ हैं जो इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ काफी इंपोर्टेंट माने गए। पर एक बात ध्यान रखना, संस्कृत भाषा के विद्वान है। इसी प्रकार एक जैसे वसराज है, वसराज की जानकारी देने वाले इनके दरबार में भी दो कवि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक आता है उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है कुवल्यमाला, जिसका नाम था कुवल्यमाला था। एक इनके दरबार में और आता है जिसका नाम था जिनसेन सूरी, जिनसेन सूरी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ था। ये ग्रंथ कुछ महत्वपूर्ण आते हैं, इनको भी याद कर लेना। वसराज के दो दरबारी कवि थे, जानकारी देते हैं कवि उद्योतन सूरी कुवल्यमाला ग्रंथ लिखता है, ये भी संस्कृत भाषा का है, ये भी संस्कृत भाषा का है। इधर महेंद्रपाल के दरबार में राजशेखर, ये भी संस्कृत भाषा का है। जिनसेन सूरी हरिवंश पुराण को लिखते हैं, जिनसेन सूरी कौन सा ग्रंथ लिखते हैं, हरिवंश पुराण। महेंद्रपाल के बाद में आता है महीपाल, ये गणेश जी का बहुत भयंकर है, निर्बेंद्रेश्वर इस प्रकार से नाम है, निर्बेंद्रेश्वर विनायक पाल हैरम्भ पाल इनकी कई उपाधियां मिलती है। देखो अब जो राजा आ रहे हैं इतने महत्वपूर्ण नहीं, काफी आएंगे, महेंद्रपाल सेकंड भी आएगा, देवपाल आएगा, सोमपाल आएगा, कई आएंगे लेकिन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अब जो आने वाले लास्ट के तीन शासक आपको अच्छे ढंग से याद करने हैं, यदि आप तीन शासक को ढंग से पढ़ पाते हो तो आपके नॉर्मल स्तर के एग्जाम में आपके कवर हो सकते हैं, बाकी इतिहास का कोई अंत नहीं है, कितना ही पढ़े रखो, जितना पढ़ो उतना ही कम है। तीन शासक, एक का नाम है राज्यपाल, एक शासक का नाम राज्यपाल, दूसरे का नाम त्रिलोचनपाल, और इसके बाद में एक आता है यशपाल। महिला सुपरवाइजर 7 दिसंबर 2015 को एग्जाम हुआ, उसके अंदर कहा गया, पूछा गया गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन है, तो वो माना जाता है यशपाल। देखो सिंपल सी बात है कि गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इनका 1093 ईस्वी के अंदर लगभग सभी का पतन हो गया था, मुख्य मुख्य रूप से, बाकी छोटे मोटे भी बचे थे, लगभग 1038-37 के अंदर माना गया है कि यशपाल का इसमें पतन हो गया था, ये बात भी है। चलो खैर राज्यपाल को छेड़ा है, इसको इसका शासनकाल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 960 से 1018, ये महत्वपूर्ण बात। और क्यों पढ़ा मैंने इसको, महत्वपूर्ण क्यों बताया, इसके काल में आक्रमण हुआ किसका, महमूद गजनवी का, महमूद गजनवी का आक्रमण किसके काल में हुआ, राज्यपाल के काल में हुआ। कब हुआ इनका आक्रमण, हुआ 1001 ईस्वी में, ये बहुत भयंकर लुटेरा है, इधर अफगानिस्तान साइड से आया ये। 1001 ईस्वी में आक्रमण हुआ किसका, महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, हो गया। महमूद गजनवी की सबसे आक्रामक लूटपाट मानी गई है सोमनाथ मंदिर, ये लुटेरा है सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव का जो द्वादर ज्योतिषलिंग में इनका नाम आता है, सोमनाथ मंदिर में की लूटपाट किसने की है, मंदिर में लूटपाट, लूटपाट करने वाला महमूद गजनवी। ये लूटपाट कब हुई, 1025 ईस्वी के अंदर हुई, इसकी अंतिम लूटपाट थी, सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की महमूद गजनवी ने, ये इनकी अंतिम लूटपाट थी। और ये बात है कि महमूद गजनवी का जो अंतिम अभियान था, इनका अंतिम संघर्ष था, वो था पंजाब में जाटों के विरुद्ध, पंजाब में था जाटों के विरुद्ध, ये इनका अंतिम संघर्ष माना गया, अंतिम अभियान था जाटों के विरुद्ध था। और जो अंतिम लूटपाट थी वो कौन सी मानी गई है, वो सोमनाथ मंदिर की लूटपाट मानी गई है। कहते कि जब राजस्थान क्षेत्र में ये आए, यहाँ इस समय अपने देवता बहुत फेमस थे जिनका नाम था गोगा जी चौहान, ये गोगा जी बहुत फेमस देवता है, गोगा जी के बारे में ज्यादा बात तो खैर नहीं करूंगा, स्पेशल कभी मौका मिला देवता पढ़ाने का, मेरे को टाइम मिला तो मैं देवता पूरे करवाऊंगा आपको।
बाकी थोड़ी सी मैं बात करता हूँ, जो अपने काम की बात है यहाँ पर इनसे संबंध क्या रखते हैं उस बात का ध्यान देंगे। एक स्थान पड़ता है ददरेवा, आपने सुना है, तो ददरेवा पड़ता है चूरू जिले में। चूरू जिले में यहां पर ददरेवा के ठाकुर थे जिनका नाम था जेवर जी चौहान, और जेवर चौहान यहां के राजा थे। इनके पुत्र था, पुत्र का नाम था गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान, इनकी माता का नाम था माता बात्सल दे, माता का नाम था माता बात्सल दे, भी पहले ऐसे नाम हुआ करते थे, दे मतलब देवी सी लगाया गया है। इनकी मासी का नाम था, इनकी मासी थी जिनका नाम था कात्सल दे, भी देखने में हुबहू कॉपी है ये, जैसे वो फिल्म नहीं जुड़वा फिल्म है, तो जैसे वही बात है, वो फिल्में एक जैसी होती है, कई फिल्म हम देखते हैं वो जमा जुड़वा थे आपस में बिल्कुल ये। और कहते हैं कि गोगा जी इनके जो गुरु थे, गुरु जी का नाम था गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, और गोरखनाथ गुरु का नाम था मच्छिंद्रनाथ नाम था। गुरु गोरखनाथ के कुल भारत के अंदर 365 चेले माने गए, राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण तो गोगा जी चौहान है। तब माना गया गोगा जी का जन्म बहुत मुश्किलों से हुआ था, ये इनकी कोई संतान नहीं थी, गोगा जी गोरखनाथ आशीर्वाद दिया वगैरह वगैरह संतान हुई। इनकी मासी है, इनकी मासी की शादी जेवर के भाई से हुई थी, मतलब गोगा जी के चाचे से शादी हो रखी है मासी की। अब जो इनकी संतान होगी काछल से, एक का नाम था अर्जन, एक का नाम था सर्जन। अब इधर बात्सल है, बात्सल संतान हुई जिसका नाम क्या गोगा जी, भी आया तो भाई जिसको मोसेरी भाई बोल दो, चाचेरे भाई बोल दो, चाचा के साथ मासी की शादी कर रखी है, मतलब जो इधर चाचा का सिस्टम बिठा रखा है वो मासी से बिठा रखा है। तो अब देखो भी, तो इधर गोगा जी है, इधर अर्जुन है, सर्जन आपस में भाई हो गए ना, ये मोसेरे भाई भी आते हैं कुछ जगह, कुछ जगह चाचेरे भाई भी आते हैं, इस प्रकार से वंशावली ध्यान रखना। इनके बीच में था जमीन को लेकर विवाद, विवाद था किसको लेकर, जमीन को लेकर विवाद था, बस भूमि को लेकर ये हमारी है, बंटवारे को लेकर ये वो कर आके। लेकिन गोगा जी सिंह मत नहीं है अर्जुन सर्जन की, गोगा जी से क्या कर दे, ये लफड़ा ले ले। गोगा जी महान बहुत है, पावरफुल बॉडी बिल्डर है, मतलब इनको सल्टा दिया करते थे अर्जुन सर्जन को। तो इनकी मत नहीं थी गोगा जी से टक्कर लेने की, इनको तलाश थी, अर्जुन सर्जन को तलाश थी इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इनकी कोई बड़ी भरपूर हेल्प कर दे। अब भाई उम्मीद ले बैठे तो कोई मिलता ही है, आपने उम्मीद लगा ली है कोई किसी प्रकार की, तो उम्मीद इतनी जरूर पूरी होती है, इनकी पूरी हो गई उम्मीद, उम्मीद ढंग के लगाया करो। अच्छा अर्जुन सर्जन है तो इनको उम्मीद थी कोई ना कोई मिलेगा, तब इनको मिला महमूद गजनबी। महमूद गजनबी को आग्रह किया, आप गोगा मेडी अपने यहाँ पर ददरेवा में आक्रमण कीजिए और इसको गोगा जी को पराजित करो, आपको हम आधी जमीन दे देंगे, ये बंटवारा दे देंगे, भी लूटपाट करने आए, इसको धन से मतलब है, ये मतलब नहीं है कुछ भी है। महमूद गजनबी ने, महमूद गजनवी ने मौका पाकर आक्रमण कर दिया, कहां पर ददरेवा पे आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया, कहते हैं कि वीरगति को प्राप्त हो गया गोगा जी का पूरी फैमिली, गोगा जी भी कहते हैं कि यहां पर वीरगति को प्राप्त तो खैर नहीं हुए, युद्ध करते करते गोगा जी का सिर था, सिर गिर गया। गोगा जी यहां पर युद्ध कर रहे थे, गोगा जी का शीर्ष होता है, सिर मतलब शीर्ष को बोलते हैं, युद्ध करते करते शीर्ष यहीं पर गिर गया था। जैसे यहां पर शीर्ष गिरा, जहां गिरा वहां एक मेड़ी बनी हुई है, उस मेड़ी को कहा जाता है, कौन सी मेड़ी, इसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। फिर देखते हैं कि अब बड़ी चमत्कार हुई है, वाकई वो मरुस्थलीय प्रदेश है, टिब्बो वाला एरिया है, यहां पर लगातार घोड़े पे सवार होकर युद्ध करते हुए जा रहे हैं, गोगा जी जा रहे हैं, इधर ये महमूद गजनवी जा रहा, लेकिन गजनवी देख रहा है हो क्या रहा है मेरे साथ में, बड़ी जोर की वार्ता हो रही है, हो क्या रहा है इसका, क्या ये रिजल्ट है। तब आकाशवाणी हुई, जिसके साथ तुमने पंगा लिया है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये महमूद गजनबी को आकाशवाणी हुई, इसने हार मानी, अपने आप पे समय याचना की, प्रभु का स्मरण किया, तब जाके वो शरीर शांत हुआ, तब एक उपाधि दी। मैंने सोचा कि ये तो कोई क्या होगा, लेकिन उपाधि दी, ये तो वास्तव में जाहर पीर है, जाहर का मतलब होता है साक्षात, पीर मतलब देवता, मतलब साक्षात देवता है, ये तो एक साक्षात जिंदा व्यक्ति है, इस प्रकार जाहिर पीर की उपाधि देने वाले गोगा जी महाराज को। तो वो कौन है, वो अपने महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी ने जाहिर पीर की उपाधि दी थी। अब देखो जैसी उपाधि दी, क्षमा याचना की, वहीं पर इनका धड़ गिर गया, धड़ मतलब होता है धुड़, मतलब शरीर, फिजिकल बॉडी अपनी, जहां पर सारा शरीर गिरा, धड़ गिरा, वहां आज मेड़ी बनी, उसको क्या बोलते हैं, उसको धुड़ मेड़ी बोलते हैं। दो गोगा जी के राजस्थान के अंदर तीन मंदिर है, एक शीर्ष मेड़ी होगी ददरेवा में, एक धुड़ मेड़ी होगी, कहां होगी वो, अपने गोगा मेड़ी स्थान पड़ता है नोरगे पास मानगढ़ में। अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन 2012-13 में आया था, पूछा गया था गोगा जी की ओलड़ी का है सांचोर, ओलड़ी साल को बोलते हैं, ऑलरेडी का है सांचोर जालोर के अंदर है, ये मिलता है। ये थोड़ी सी वर्तमान था बता दिया, गोगा जी महाराज का महत्व है, छोटी सी बात और पूरी कर देता हूँ। गोगा मेडी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने,
मुसलमान ने करवाया है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है गोगा मेडी का निर्माण। भी मुस्लिम सलीम है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनका जिनके मंदिर का मुख्य निर्माण है ना ये मुस्लिम सलीम है, तो वो कौन सा है? गोगा मेडी हो जाएगी। मार्बल के व्हाइट मकराना के मार्बल से बना हुआ है मंदिर। वर्तमान निवेश के बजट को लेकर सरकार ने पास कर रखा है, बहुत बड़ा बना रहे हैं, गोगा मेडी मंदिर को बनाया जा रहा है। देखो अपने 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेकर लास्ट फाल्गुन तक, एक महीना है भाद्रपद, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद के महीने में इस गोगा मेडी में जो मुख्य अधिकार होता है भक्तों में, तो वो होता है हिंदुओं का, हिंदू पुजारी इसमें पूजा करते हैं। और बाकी जो 11 महीने हो गए भादवियों को छोड़ के, भाद्रपद को छोड़ के सारे महीने हैं टोटल, उन सारों महीनों में मुसलमान पुजारी यहाँ पर क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और मुसलमान पुजारियों को यहाँ पर क्या बोलते हैं? चायल कहा जाता है, मुसलमानों को चायल बोलते हैं। ये वैसे देखा जाए मुसलमान नहीं है, कहते हैं कि विरोसा काल के अंदर यहाँ हिसार के आसपास के, ये हरियाणा के आसपास के जो लोग थे इनको जबरदस्ती यहाँ पर मुसलमान बनाया गया था, तो इस प्रकार से ये इन्हें वो माना जाता है चायल है, ये एक प्रकार से चायल जबरदस्ती बनाया गया मुसलमान है। चलो जो भी है, आज वर्तमान में जो मान्यता है वो अपने अपने हिसाब से ठीक है। ये हिंदू इनको भगत बोलते हैं, इनको चायल बोलते हैं, ये महत्व था इनके काल का। कहते हैं कि अब वापिस अपने मैटर पर गुजर पर तैयार किया, ये बीच में स्फूर्ति को अपने बीच में कर दिया। देखते हैं क्या हुआ, जब राज्यपाल के समय यहां पर आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का, आक्रमण के समय राज्यपाल राज्य को छोड़ के बीच में फरार। सरदारों ने सोचा ये क्या न्याय करेगा, अभी आक्रमण से पहले छोड़ के भाग गया, चलो इसके भाई को बना देते हैं राजा। इसके भाई को राजा बना दिया, वो कौन है? त्रिलोचन पाल। सरदारों ने मिलकर इनके भाई राज्यपाल के भाई त्रिलोचन पाल को क्या बना दिया? भी बहुत कॉन्फिडेंस दिया, ये कर दोगे। अब वही बात, अभी कॉन्फिडेंस देने से क्या होता है, सामने हिम्मत भी तो चाहिए ना, तरीका भी चाहिए युद्ध करने के लिए, अकेले कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं बनता। अब त्रिलोचन पाल को कॉन्फिडेंस बना दिया, लेकिन ये भी सामना नहीं कर पाया, ये भी महमूद गजनवी का सामना नहीं कर पाया था, ये भी महमूद गजनवी से क्या हो गया था? पराजित हो गया था त्रिलोचन पाल। अब अंतिम शासक आता है जिनका नाम क्या है? यशपाल। यशपाल, यशपाल, यशपाल है बस, यश। गुर्जर प्रतियार वंश में अंतिम शासक किसी माना गया है? यशपाल को माना गया है, ठीक है जी। हरिश्चंद्र टू यशपाल, गुर्जर प्रतिहार वंश, युद्ध हुआ था इनका राष्ट्रकूट से, पाल वंश से, त्रिपक्षीय